आगामी विधानसभा का चुनाव काफी नजदीक है, जिसको लेकर राजनीतिक पार्टियां अपने अपने दलीय वोटरों को सहेजने में लगे हैं। इसी क्रम में बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्र मऊ जनपद के चिरैयाकोट थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय इंटर कॉलेज के मैदान में मंडल स्तरीय जनसभा को संबोधित करने पहुंचे और इस दौरान बसपा महासचिव ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। ये तो गठबंधन नहीं है, ये तो पूरा एक दूसरे के साथ मिलकर के एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आरोप आप पे लगता है कि आप भाजपा की टीम हैं? देख तो लिया आपने, हमारी तस्वीर दिखी, हम लोगों की बीजेपी बहुजन समाज पार्टी देखी, आरएसएस कौन सी संस्था है? सबसे बड़ी संस्था है जो कि बीजेपी को भी चलाने का काम करती है, और उनके मुखिया और समाजवादी पार्टी के पूर्व मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री और अभी के मुखिया के पिताजी वो बैठे हुए आपस में एक दूसरे के साथ मिल करके क्या कर रहे हैं, ये तस्वीर सामने आपके आ गई। लड़कियों और किसके साथ बी टीम है, ए टीम है? समाजवादी पार्टी ए टीम बी टीम नहीं, ये दोनों मिले हुए एक साथ हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू। अगर सरकार आपकी बनती है तो प्रमुखता के पहले पन्ने में तहरीर क्या होगी आपकी? पहले पन्ने पे इस प्रदेश से बेरोजगारी दूर करने का काम होगा, कानून व्यवस्था तो अपने आप ही सुधर जाएगी। चुनाव से ठीक पहले चुनाव सुधार कानून, वोटर कार्ड को आधार से जोड़ने का, अल्पसंख्यकों को वंचित करने का, देखिए इसका हम लोगों ने हमारी पार्टी के मुखिया ने भी अभी प्रेस में भी कहा कि इस तरह से जो ये कानून पारित किया गया है ये बहुत ही गलत तरीके से पारित किया, इसका हम लोगों ने विरोध भी किया, ना इसको अचानक से ला करके पार्लियामेंट में हमारे लोगों ने भी विरोध किया और लोगों ने भी विरोध किया, लेकिन एक सोची समझी रणनीति के तहत में कि इससे शायद वो डर गए इतना उत्तर प्रदेश के चुनाव में और पंजाब के चुनाव में उत्तराखंड में कि उनको लग रहा है कि अब चुनाव हारने वाले हैं, और इसीलिए चाहे अल्पसंख्यक समाज के लोग हों, चाहे दलित समाज के लोग हों, चाहे अन्य हों, जो लोग जिनको वो नुकसान पहुंचा सकते हैं, समझते हैं कि हम पहुंचा लेंगे, लेकिन उनको ये मालूम होना चाहिए कि जितनी इस तरह की कोशिश करेंगे उतना ही ये सब लोग मिल करके और ताकत झोंक करके ये जितना इस तरह से नुकसान पहुंचाने के उससे ज़्यादा ताकत से जोड़ने का काम करके, और अब की बात सरकार